झिरमिल हाई सेकेंडरी स्कूल में माथे पर तिलक लगाकर आए छात्र को टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। छात्र को क्लास से बाहर निकालने पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए टीचर को विद्यालय से निकालने की मांग की। वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। छिंदवाड़ा जिले के चौराई ब्लॉक में स्थित झिरमिल हायर सेकेंडरी स्कूल में उस समय हंगामा हो गया जब कक्षा में मुस्लिम टीचर ने तिलक लगाकर आए स्टूडेंट जिसके हाथ में जय श्री राम लिखा था उसे क्लास से आउट कर दिया, जिसके बाद छात्र ने हाथ में लिखे जय श्री राम नाम को ब्लेड से काट लिया। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू सेना ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ऐसे टीचर पर कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू सेना ने कहा कि तिलक लगाने को लेकर टीचर ने बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार किया और तिलक मिटाकर आने को मजबूर किया गया, जिससे पूरा हिंदू समाज आहत है। टीका लगा के आएगा तो उसको क्लास के अंदर नहीं बिठा लूंगी। मेरे हाथ पे जो राम लिखा है ना तो उसके लिए मैम ने बोली थी कि उसको मिटा के आना तो ही क्लास के अंदर बिठा लूंगी, नहीं तो नहीं बिठा लूंगी क्लास के अंदर से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।